इतना आसान नहीं होगा अरमान के लिए अभीरा की यादों को भुलाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अरमान ने बड़ी आसानी से कह तो दिया अभीरा को कि मैं तुम्हारी यादों तक को भुलाना चाहता हूँ। बड़ा ही टेंस सीन था जो अरमान और अभीरा के बीच में था, और अभीरा को यह भी कह दिया कि मैं मर भी जाऊं तो मेरी हेल्प मत करना, यानी कि मरने जो भी सीन था आपने देखा। बट यहां पे सवाल यह है दोस्तों कि अभीरा की यादों को क्या भुलाना इतना ही आसान है अरमान के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ इमोशंस होते हैं जो अपने आप को भी नहीं पता होते हैं। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अरमान के दिल पे राज करना चाहती है रूही, मगर अरमान के दिल पे राज कर रही है अभीरा। ऊपर की सच्चाई को माने तो अरमान को भी यही लगता है कि मैं तो अभीरा से प्यार नहीं करता, मैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हुआ हूं, मगर प्यार तो है। ऐसे ही थोड़ी आंसू आ जाते हैं आंखों में से। क्या सिर्फ आंसू इसीलिए आए कि अभीरा ने झूठी गवाही दी? क्या अरमान डाइवोर्स नहीं चाहता था? जो 3 महीने बाद होना है, अगर वो 15 दिन में हो रहा, तो इसमें अरमान को प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम है तो यही है कि प्यार करता है अभीरा से। दिल के किसी एक कोने में अभीरा इतनी छा गई है कि उसको निकालना ही मुश्किल है। बेंच में से नाम हटा दोगे, बेंच पे रूही का नाम लिख भी दोगे, मगर दिल का क्या करोगे? दिल तो वही है ना कि मानता नहीं। तो ये जो हुआ है ये बहुत बढ़िया सा सीन था, और आगे भी ऐसे सीन्स हमें दिख रहे हैं जिसमें अभीरा और अरमान और दूर होते नजर आ रहे हैं, मगर ये दूर होंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि एक कुदरत भी है जो अपना जो है सच सामने लाती है। कुदरत जो मानती है उसी को सबको मानना पड़ता है। तो वही होगा, क्योंकि जैसे कि एक बड़ा अच्छा गाना है जो ऐसी सिचुएशंस पे है कि जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी। तो ये अरमान लौट के फिर आएगा, चाहे वो कुछ भी करे, क्योंकि उसको अंदर से कहीं ना कहीं इसी बात का गम है कि अभीरा मुझसे सच नहीं बोल रही है। वो भी इस बात को नहीं मान पा रहा है कि अभीरा हम सबसे नफरत करती है। वो अभीरा जो उसके माँ बापा का रिश्ता जो है जुड़ाने के लिए यहाँ पे आई है, वो ये नहीं देख पा रहा कि एकदम से रिश्ता जुड़ना कैसे शुरू हो गया है। जैसे ही उसके नोटिस में ये बात आएगी कि अब दादी साहब खुद इनिशिएटिव ले रही है रिश्ता जोड़ने का, और ये कैसे हो रहा है ये समझने में देर नहीं लगेगी अरमान को, क्योंकि दादी साहब का एक ही एजेंडा था, अभीरा और अरमान का तलाक करवाना। तो ये सब बातें आएंगी धीरे धीरे सामने, और मजा भी आएगा क्योंकि ट्रैक अच्छे चल रहे हैं। और रूही को तो बार बार कुदरत यही इशारे कर रही है कि भाई तेरे लिए अरमान नहीं बना है, तो जितना मर्जी अरमान अरमान कर, मगर तेरे को अरमान मिलेगा नहीं। तो मजेदार हो रहा है दोस्तों ये ट्रैक। और उधर जो मनीष जी हैं उनका भी बुरा हाल है। मुझे तो ये आज की कड़ी में ये समझ में नहीं आया कि अगर मनीष जी को पहले नहीं पता था अभीरा और अरमान प्यार करते हैं, और उनको पता लगा और वो इतना भड़के, तो आज वही बात उनके सामने है कि अगर अभीरा को पता चला कि आपको पता था कि ये उनका प्यार है तो आपने क्यों नहीं बताया, तो ये चीज सेम रिपीट क्यों करने? आपको भी अगर इतना फील हुआ था कि आप तक न्यूज नहीं पहुंची, आपके साथ जो है वो न्यूज छुपाएगी, तो आप अभीरा के साथ क्यों छुपा रहे? आपको अब तक अभीरा को बता देना चाहिए था। तो वो चीज थोड़ी सी मुझे लगी अटपटी कि ये नहीं होना चाहिए, कि उनके करेक्टर में ये बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।